गाइस पबजी इतना पॉपुलर गेम है कि आज हर एक गेमर उसके जाने के बाद वापस से वेट कर रहे हैं कि इंडिया में ये गेम वापस से रिलॉन्च कब होगा। लेकिन यहाँ पर आपको हर बार नई अपडेट दे दी जाती है कि पबजी इतनी तारीख को इंडिया में आने वाला है, इतनी तारीख को आपके फ़ोन के अंदर होने वाला है। ऐसे मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए थे, लेकिन यहाँ पर ये सारी बातें अब ऐसा लगता है कि झूठ ही है। अब यहाँ पर इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि पबजी इंडिया में रिलॉन्च होगा भी या नहीं, ये क्वेश्चन खड़ा हो चुका है। क्या है वो अपडेट और कहां से आई है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और उसके बाद मैं बताने वाला है कि पबजी रियल में इंडिया में आएगा भी या नहीं। तो सारा का सारा वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो काफी छोटा होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, और साथ में ही इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे नए वीडियोज की अपडेट हमेशा मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी वीडियो। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया में पबजी की रिलॉन्चिंग के लिए तो काफी टाइम से सारा काम चल ही रहा है, और पबजी की तरफ से सारी तैयारी हो चुकी है इंडिया में उस गेम को लॉन्च करने के लिए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एकदम कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा था कि भाई पबजी को हम रिलॉन्च करने के लिए परमिशन दे रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पर जब तक गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिलती तब तक पबजी इंडिया में लॉन्च नहीं हो सकता, चाहे वो अपने सारे सर्वर्स वगैरह सब कुछ सेटअप कर चुका हो, फिर भी उसको गवर्नमेंट की तो परमिशन चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो यहाँ पर RTI के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जवाब मांगा गया कि भैया पबजी रियल में आएगा भी या नहीं। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पबजी को पूरी तरीके से परमिशन देने के लिए मना कर दिया है। एकदम क्लियर वर्डिंग में उन्होंने अपने RTI के रिप्लाई में बता दिया है कि भैया हम पबजी को इंडिया में रिलॉन्चिंग के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, आपका गेम इंडिया में रिलॉन्च नहीं हो सकता है फिलहाल के लिए, फ्यूचर में पता नहीं क्या हो क्या ना हो उसके लिए उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन तो एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है कि पबजी इंडिया में रिलॉन्च नहीं हो रहा है। अब उसके बाद में पबजी की तरफ से कुछ और मतलब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह की जाए, जिससे कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह जो है वो थोड़ा एकदम सेटिस्फाई हो जाए कि भैया हाँ इसको रिलॉन्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले की तरह ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे कि इंडियन डेटा जो है वो कई और कंट्री के साथ में, चाइना के साथ में या कोई और जो भी कंट्री है उसके साथ में शेयर हो गया, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अब यहाँ पर एक गेम के लिए इंडिया को, पूरा इंडिया को मुसीबत में डालना तो कोई अच्छी बात है नहीं, तो गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि वो अपना सेफर साइड लेके चले। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एक पबजी जैसे पॉपुलर गेम की वजह से भी अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहेगी, अपने कंट्री को रिस्क में नहीं डालना चाहेगी। तो ये तो सही बात है भैया कि जहाँ पर पूरे कंट्री का सवाल है वहाँ पर एक गेम की वजह से तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए हम लोगों को, और हम लोगों को भी वेट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर रिप्लाई आने के बाद और कन्फर्मेशन होने के बाद में पबजी गेम वापस आ जाएगा इंडिया में। हाँ देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब पूरा सब कुछ सही हो, सब कंफर्म हो जाए उसके बाद ही लॉन्च हो तो सबसे बेस्ट है। यही हमारे इंडिया के लिए और हम सबके लिए बेस्ट जो है डिसीजन रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो बाकी सब बढ़िया है, आप तब तक दूसरे गेम्स को एंजॉय कीजिए और हो सकता है पबजी की जगह फौजी ले ले, और फौजी इंडियन गेम जल्दी ही लॉन्च हो सकता है क्योंकि उसकी काफ़ी सारी अपडेट्स आपको देखने को मिल रही होगी उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे ही आपको फौजी गेम की अपडेट वगैरह देनी होगी मैं आ जाऊंगा एक बार फिर से इसी चैनल पर, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिएगा, साथ में ही इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने सारे उन फ्रेंड्स के साथ में जो इनको काफ़ी टाइम से वेट हैं पबजी के रीलॉन्चिंग की, तो उनको ये एक छोटा सा इंटीमेशन दे दीजिएगा कि भैया फ़िलहाल के लिए पबजी लॉन्च नहीं हो रहा है, ये वीडियो देख लो। अब बात करते हैं लाइक की, तो लाइक का आपने कर दिया होगा इसीलिए उसकी कोई बात नहीं करेंगे। बाकी रही बात कमेंट की, तो कमेंट आप करते रहिए, अच्छा लगता है वीडियो नहीं लगता है जो भी आपके कमेंट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए ताकि मैं अपने वीडियोज़ को और थोड़ा सुधार कर पाऊँ। और अगर आपको कोई नया टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं जल्दी से उस पर भी नया वीडियो बना दूंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।